ये देखिए हम लोग मांझी द माउंटेन के पास आए हुए हैं। इसके बीच बीच में जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये रास्ता नहीं था आज से कुछ वर्षों पहले, लेकिन मांझी ने इस पहाड़ को काट के इस रास्ता का निर्माण किया जिससे आज लाखों लोग गुजर रहे हैं। और ये कारनामा करने वाले भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश में नाम प्रसिद्ध किया है, विख्यात किया है। सोचिए एक पहाड़ के बीच से रास्ता बनाकर आज लोग इसके आसपास होके गुजर रहे हैं। इसका कोई एक तरह से कह सकते हैं कोई रास्ता होने का कोई चर्चा दिमाग में सोचा भी नहीं होगा। एक व्यक्ति सिर्फ इसको लाखों लोगों को आज सहूलियत हो रहा है, इसको बहुत सालों मेहनत कर कर के इसको इस पहाड़ को काट काट के अपने मेहनत से रास्ता बनाया है। सोचिए उस व्यक्ति कितना कर्मठशील होगा, कितना गुणवान होगा, कितना मेहनती होगा, वो भी अपनी पत्नी के लिए, हाँ हाँ पत्नी के प्यार में अंधा था, प्यार पहले भी चलता था। ऐसे भी आज के डेट में मैं कहना चाहूँगा, अच्छा ठीक ना, हाँ आ गए हमारे चीफ एडिटर अभिनव जामवाल फेसबुक पर डालेंगे अभिनव जामवाल, सॉरी। हाँ सर, बताना चाहूँगा, हाँ ठीक ना, आज के डेट में जो जितने भी नए यंग ब्लड हो या फिर कुछ जनरेशन पुराने आज के पिछले 5 साल वाले, तो अपनी बीवी के खातिर तो कुछ करते नहीं, अपने बच्चों के खातिर या अपने माता पिता के खातिर, ठीक ना, एक जी जी बहम बना करके रखे हैं कि हमने अपनी जिस तरह से मांझी ने जैसा एक मिसाल कायम किया, बिल्कुल बिल्कुल एक मिसाल कायम किया है पूरे वर्ल्ड में कि अपनी बीवी के प्यार, अपनी पत्नी के प्यार के लिए ये पहाड़ को पूरा एक रास्ता बना करके दे दिया जिससे कि आज लाखों लोगों को सहूलियत मिली है। अच्छा अच्छा, है ना। और आज के डेट में अगर जो हम ऐसा देखें, परसेंटेज निकाले हैं भारत की जनगणना करने के बाद, अगर जो हम पूरे इसको हम अच्छी तरह से स्टडी किया भारत, पूरे भारत में तो बहुत सारे इतने, यानी कि लगभग 65 के लमसम आ रहे हैं जो कि अपनी बीवी के साथ में गद्दारी करते हैं, अपने माता पिता के साथ में गद्दारी करते हैं, अपने बच्चों के साथ में गद्दारी करते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड का एक ऐसा व्यक्ति मांझी जिन्होंने अपनी बीवी के प्यार में, अपनी बीवी की स्ट्रेंथ को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा अपने पहाड़, ये पूरे पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिया जिससे कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का मिसाल कायम किया गया है ये। एक्सक्यूज मी सर, आप मांझी के गांव के हैं क्या, बहुत जानते हैं? नहीं, हम उनके बारे में काफी स्टडी किया है, हम बगल के ही हैं। अच्छा, राजगीर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, हाँ। तो मांझी को जैसे हम लोग जानते नहीं थे, ठीक ना, और हम लोग बहुत, हमसे हम लोग बहुत छोटे हैं जब ये माउंटेन द मांझी ये रिलीज मूवी, ये क्या, हाँ हाँ हाल फिलहाल में आया था, फिलहाल में एक मूवी रिलीज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसके एक्टर थे। उसके बाद हम उसके बाद जब ये माउंटेन के बारे में जब इसका शूटिंग हो रहा था, ठीक ना, माउंटेन द मांझी का शूटिंग हो रहा था, तो उस दरमियान में हम उसको कहीं नेट पे पढ़े थे कि माउंटेन द मांझी, तो फिर उसके बारे में मैंने स्टडी करा, फिर स्टडी करने के बाद मैंने कहा पता किया तो फिर पता चला कि ये नगया डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है और फिर हम लोगों के नजदीक में है, फिर इसके बारे में मैंने सारा मांझी के बारे में यानी कि स्टडी किया, उसके बाद सारा स्टेटस अच्छे हमको लगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लगा, अच्छे इतिहास है। अच्छा सर, तो हम इसमें एक चीज पूछना चाहते हैं आपसे कि मांझी इतना बड़ा काम किया लेकिन अभी मांझी को या मांझी के गांव को या किसी भी तरह का उसको पुरस्कृत नहीं किया गया या किसी तरह का सरकार की तरफ प्रोत्साहन नहीं दिया गया? प्रोत्साहन देनी चाहिए, ठीक ना, इसमें गवर्नमेंट की कमजोरी है या फिर उनको केयरलेस कह सकते हो आप, ठीक ना। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि माउंटेन द मांझी और जो जिन्होंने मांझी है, मांझी तो अभी बच नहीं रहे हैं लेकिन उनके फैमिली में जो भी हैं उनको अनुदान राशि या फिर उन्हें भारत रत्न दिया जाए। इतने बड़े महान कार्य के लिए आज सोचिए इस रास्ता से जो कोई एक पक्षी नहीं गुजरता होगा उस रास्ता को शमशान से बना दिया। आज जाना चाहूंगा कि आप दूर दूर तक अपने कैमरे को घुमाओ और उसके बाद देखो कि यहाँ का क्या लोकेशन है। 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई भी गांव घर नहीं जना दिखाई पड़ेगा, उसके बावजूद भी इन्होंने मांझी जी ने ये रास्ता को बनाया है।
हम ये बताना चाहेंगे, फिर भी गवर्नमेंट से हम एक बार फिर से अपील आपके द्वारा करना चाहूंगा कि मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए और इस रास्ते को और भी मॉडलाइज बना करके यहाँ से लाइट वाइट लगाना चाहिए। और ये गया राजगीर का डिस्टेंस कम करता है भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फिर इसको 4 लेन में इसको कन्वर्ट करना चाहिए, है ना, इस रूट को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट बनाए, तो ताकि हमारा बिहार भी गौरव बने। जिन्होंने जितना मांझी जी ने किया है वो बहुत ही बहुत ही सराहनीय काम है, वर्ल्ड लेवल पे किया है। आज के अभी नहीं करूँ ऐसा। एक चीज हम आज देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो जिन्होंने मतलब कि समझिए कि अपने मेहनत से अपने दिन प्रतिदिन करते हुए इस पहाड़ को एक रास्ता बना दिया। सोचिए कितना बुलंदशील व्यक्ति होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका जो सोच था ना, तारीफ़े काबिल, और उन्होंने जो अपना संकल्प, दृढ़ संकल्प लिया, समझे ना, आज के डेट में तो हमको नहीं लगता, आज के डेट में या फिर बैक डेट से भी चले जाओ आप, 100 साल पहले भी चले जाओ, तो ऐसा कोई पुरुष नहीं निकला होगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे, मैं आपको बताऊंगा। आज इसको मशीन से भी रास्ता बनाने में इसको महीनों लग जाएगा, महीनों लग जाए, साल भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिंदा पत्थर है, ये कोई मरा हुआ पत्थर नहीं, यहाँ पे घास भूसा पूरे देख सकते हो, हरा हरा पेड़ है, ठीक ना, तो इसको आप करने में जारी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, बस मांझी के लिए आप अंतिम विचार क्या कहना चाहें, इस माहौल के लिए, इस अगल जो मतलब इस इलाके में जो भी गांव है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर जो सरकारी का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आता है, ठीक है, देख सकते हो आप कितने गाड़ी निकलती है, वरना इस रोड से तो पैदल चलना मुश्किल था, और यहाँ से बाइक पार कर रहे हैं, 4-व्हीलर पर बड़ा बड़ा टूरिस्ट का बस पार कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? तो हम यहाँ के लोगों से नहीं, यहाँ के लोगों के जरिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे, समझे ना, भारत सरकार से और बिहार सरकार से और भी ज्यादा सारे इंडिया के जितने भी स्टेट सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि इस माउंटेन द मांझी रूट को डेवलप किया जाए और इसके जितने भी इर्द गिर्द है, ठीक ना, इसको डेवलपमेंट बना करके राजगीर के रास्ते, राजगीर को कनेक्ट बोधगया से करके 4 लेन में कन्वर्ट किया जाए, ताकि यहाँ से आने जाने वालों को बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, 4 लेन होगा इसको, अब थोड़ा करना कुछ नहीं है। वो तो सुविधा की बात होगी, मांझी की बात कर रहे हैं, मांझी उसके परिवार के, उसके गांव के बारे में, मांझी के परिवार वाले इस इलाके के बारे में, उनको देख सकते हो आप, उनके गांव वाले को भी देख सकते हो या फिर उनके परिवार को भी देख सकते हो, ठीक ना गवर्नमेंट के तरफ से मिला, ना यहाँ के जनरल, यहाँ के जो लोकल विधायक है, MP है, MLA है, जो भी है, ABCD है, ठीक ना, उनको, उनके तरफ से भी इन लोगों को कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड इशू नहीं कराया गया है, दैट्स ऑल। हम यही अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, ठीक ना, हम यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से करना चाह रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट माननीय श्री नीतीश कुमार जी से करना चाह रहा हूँ कि इस गाँव को और मांझी जी के फैमिली मेंबर्स को, ठीक ना, ऐसा कुछ बनाया जाए, यहाँ के लोगों को कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे से जो वो दर्शनीय स्थान हो, क्योंकि ये बस के बाहर की चीज है, दृढ़ संकल्प होने के कारण ही आज के डेट में माउंटेन द मांझी के नाम से पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आ गया है, आप समझ रहे हो। तो मैं आपके जरिए मैं यही बताना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर से मैं आपके जरिए अपील करना चाहूंगा कि इस रास्ते को थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए, ताकि राजगीर और बोधगया के बीच में जितने भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट जो होता है, और खासकर आप देख सकते हो कि इतने लोग पर्यटक है, ठीक ना, यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि दूर दूर तक के कहीं कोई आने जाने का कोई जरिया नहीं था, ठीक ना, ये मांझी जी के अपनी वाइफ के प्रति प्रेम हो चाहे जो भी हो, प्रेम ही है जो कि इसके कारण इन्होंने ये पहाड़ को काट करके, मशीन से अगर जो काटा जाता तो महीनों लग सकते थे, ठीक ना, और उन्होंने काट करके इसको रास्ता बनाया, और रास्ता बनाने के बाद में फिर आप देख सकते हो कि इतने सारे पर्यटक लोग हैं। तो मैं आपके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं फिर से माननीय श्री नीतीश कुमार जी से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि राजगीर और बोधगया के बीच में जो इस रास्ते को कन्वर्ट सिंगल लाइन्स